हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना अकाउंट्स का, प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 26। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आज हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में और मैनुअली सिस्टम में। ठीक है, आज हम इसके डिफरेंस को, आज हम इस टॉपिक के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको क्लास प्लस वन अकाउंट्स रिलेटेड अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना हो तो आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, जिसमें है डिफरेंस किस किस के बीच में मैनुअली सिस्टम में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, आप देखो हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में इसी चैप्टर के एक पार्ट को कवर किया था जिसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट्स का सारा काम जो है कंप्यूटर के थ्रू हम कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के थ्रू हमें सारा काम करना होता है और जब हम वही काम अगर हम हाथ के साथ करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा हमें ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड करनी है, फिर उसको लेजर में पोस्ट करना है या फिर कहीं और ट्रायल बैलेंस बनाना है या फिर हमें बैलेंस शीट बनाना है, कुछ भी करना है, तो अगर वही काम अगर हम हाथ से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनुअली। ठीक है, कि हम मैनुअली काम कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हम उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो आज के टाइम पे तो कंप्यूटर आ गया तो हम सारा काम कंप्यूटर के थ्रू ही कर लेते हैं मैनुअली। आजकल बहुत कम लोग जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो आजकल काफी वो आ गया है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं तो हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी थे, हमने वो भी पढ़े थे। ठीक है, तो अब क्या है इसके अंदर फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम इसका, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग इसके अंदर कैसे होती है, रिकॉर्डिंग देखो हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो करना होता है। अब मैनुअल अकाउंटिंग में तो सारा काम हम हाथ से ही करेंगे। ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड करना है। इन दिस सिस्टम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स, बुक्स के अंदर ही हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम अभी तक पढ़ते ही आए। ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड, अब देखो इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कोई भी जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है हम उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपने पढ़ी है कि जर्नल होती है। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो हम जर्नल से ही काम चला लेते हैं। अगर हमारे मान लो बिजनेस का साइज बड़ा है तो हम उसकी ही कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है जिसको भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं। हम मैनुअल सिस्टम में सारा काम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी बुक्स में। और जो भी इससे रिलेटेड, जैसे हमें कैलकुलेशन कोई भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, एंड रिलेटेड कैलकुलेशन सच एज एडिंग की, कोई भी सब्सट्रैक्ट करना हो, टोटल करना हो, ये सब काम हमें हाथ से करना पड़ता है। ठीक है, करते हैं ना हम हाथ से, कोई किसी को ट्रेड डिस्काउंट देनी हो, कहीं कैश डिस्काउंट देनी हो या कुछ भी करना हो, तो ये हम सारा काम इसमें रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हाथ से ही करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कंप्यूटराइज में, इसमें इन दिस सिस्टम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन स्टोरिंग ऑफ डाटा इन डाटाबेस। हम क्या कर देते हैं, एक डाटाबेस होता है, हम सारा कुछ जो ट्रांजेक्शन है वहां पे सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इज डन मैनुअली। अब वो तो हाथ से तो हमें वो काम उतना तो करना पड़ेगा ना, कंप्यूटर अब इतना तो वो है नहीं है कि वो बैठे बैठे कि हाँ भाई आपके दिमाग में चल रहा है कि ये सारा डाटा ना कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाए, तो ऐसे तो वो नहीं करता, आपको उसके अंदर कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो अदर कैलकुलेशन है, कोई टोटल करना हो, एड लेस करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो सारा काम कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा रिकॉर्डिंग का था। अब सेकंड है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि जो आपकी सेम नेचर की जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको आप एक जगह रिकॉर्ड करते हो। अब इसमें क्या होता है, ये सारा काम आपको हाथ से ही करना पड़ता है मैनुअली। इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको करना हो पोस्टिंग टू लेजर, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो, जर्नल बनाते हो, जर्नल से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। आपने देखा था ना कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर वाला आपका चैप्टर था। अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे लेजर वाले चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज देख लीजिए उसे। ठीक है, तो पोस्टिंग करते हैं हम अकाउंट्स की हाथ के साथ, यानी कि मैनुअली सारा काम होता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, हम डाटा तो हम प्रोसेस कर देते हैं। इन दिस द स्टोर डाटा आर प्रोसेस ऑटोमेटिकली। अब आपने यहाँ पे देखा था कि आपने डाटा को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, स्टोर कर दिया आपने यहाँ पे डाटाबेस में, आपका वहां पे डाटा फीड हो गया एक बार, तो डाटा जब आपका वहां पे कंप्यूटर में सेव है तो वो अपने आप ही उसको क्या कर देगा, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिकली सारा काम आपका हो जाता है, लेजर वगैरह भी क्रिएट हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, आपको पूरी समरी देनी होती है हर एक चीज से रिलेटेड। इन दिस सिस्टम समराइजिंग बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, आपको देखना पड़ता है कि लेजर का कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस आया है या फिर क्रेडिट बैलेंस आया है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो जब आपका डेबिट क्रेडिट आता है। अगर आपका
डेबिट बैलेंस आता है तो ट्रायल बैलेंस के आप डेबिट साइड में लिख देते हो, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आता है तो आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिख देते हो। तो ये काम करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, इसको देखने के बाद, बैलेंस करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हो, वो भी मैनुअली, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस ट्रांजेक्शन वंस रिकॉर्डेड आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस। एक बार डाटा, देखो डाटाबेस में स्टोर हो जाने के बाद सारा काम अपने आप हो जाता है, ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इन मैनुअल प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमें तैयार करनी पड़ती है। और इस सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर जनरेटेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपने आप बना लेता है। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि उसमें क्या होता है कि आपके अपने आप, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन वहां पे लेजर में, आपने लेजर बना लिया, लेजर क्रिएट कर लिया, लेजर क्रिएट करने के बाद आपका आगे का जितना भी काम होता है अपने आप ही बनता रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका अलग बनेगा, पीएनएल भी अपने आप बनता रहता है, और इसी तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी बनती रहती है। आप पहले वाले चैप्टर में आप वहां पे देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज द बुक्स। जब आपको बुक्स क्लोज करनी होती है, ठीक है, तो अकाउंट्स क्लोज करनी होते हैं, तो आप ये सारा काम मैनुअली करते हो, और इसमें सारा काम किसके थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं टैली के बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।